गाय का मांस खाने वाले बॉलीवुड के और एक नालायक हीरो से करवा दिया ब्रह्मास्त्र फिल्म के अंदर शिव का रोल। बताओ साला है, जब से खुलासा हुआ है कि रणबीर कपूर गाय का मांस खाता है, चारों तरफ कोहराम मचा पड़ा है भाई साहब। लोगों का गुस्सा अभी सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है, जिसका मुख्य कारण बस यही है कि ये पहले गाय का मांस खाता है, फिर वायरल वीडियोस में पूरे चौड़ के साथ इसे कबूल भी कर लेता है। I'm a mutton पाया beef red meat red meat I'm a big beef guy I'm a big beef guy I'm a big beef guy और फिर ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्म में शिव का रोल भी निभा देता है। अभी जैसा कि आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि मात्र 10 दिनों के बाद इनकी फिल्म ब्रह्मास्त्र रिलीज होने वाली है, जिसमें करण जौहर समेत कुछ अन्य प्रोड्यूसर्स का भी बहुत मोटा पैसा लगा हुआ भाई साहब। बोले तो 300 से 500 करोड़ के बीच, जिसमें लीड हीरो और हीरोइन के तौर पर इस अजीब हरकतों वाले कपल को लिया गया है। बोले तो आलिया भट्ट और रणबीर कपूर को। अभी जैसे जैसे इनकी फिल्म की रिलीज डेट करीब आ रही है, वैसे वैसे ही आम लोग अभी बड़ी संख्या में आकर इसे बॉयकॉट करने की बात कह रहे हैं, और सीधे तौर पर एक ही बात जोर देकर कही जा रही है कि ऐसे नशेड़ियों और गाय का मांस खाने वालों को शिव नाम रखकर मूवी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर फिल्म बन भी जाती है, रिलीज भी कर दी जाती है, तो आम जनता इसे भी बॉयकॉट कर देगी, जैसा अक्षय कुमार की रक्षाबंधन के साथ किया, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा के साथ किया, विजय एनाकोंडा समेत तापसी पन्नू को भी भरपेट पीट दिया। अभी वैसा ही हाल ब्रह्मास्त्र का भी करने की बात जोरों शोरों से करी जा रही है। मतलब यार, मुझे तो ये बात अभी तक समझ नहीं आ रही कि नमूनों ने आखिर क्या सोचकर इस फिल्म के अंदर 500 करोड़ लगा दिए, और अगर लगा भी दिए तो ऐसे हीरो को शिव के रोल में रख लिया जो गाय का मांस खाता है। ये और एक बार बॉलीवुड के तरफ से करी गई बेहुदा हरकत नहीं तो और क्या है। जिस प्रकार लोगों ने रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की इस अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को पूरे तरीके से आड़े हाथों ले लिया है, अभी ये कहना जरा सा भी मुश्किल नहीं होगा कि 500 करोड़ में बनी इस फिल्म को बेहद तगड़ा घाटा होने वाला है, जिसके जिम्मेदार आम लोग नहीं बल्कि खुद यही लोग होने वाले हैं। बहरहाल, इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं, तो जुड़ करके हमारी आवाज और बुलंद करें। मैं मिलता हूं आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।